बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी कांग्रेस नेताओं को ढपोर शंकी करार दे रही है, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर मंदिर के नाम पर पाखंड करने का आरोप लगाया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान राम ने जब राम सेतु बनाने के लिए तैयारियां की तो उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। कभी शिव भक्त बनाया, कभी जनेऊ पहनाया, और अब कांग्रेस ने भगवान राम से की तुलना। धर्म की राजनीति और भारतीय सियासत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतनी गहराई में कि कभी एक शख्सियत को मध्य प्रदेश में शिव भक्त का तमगा मिलता है तो बिहार में भगवान राम से तुलना की जाती है। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए। कांग्रेस में आजकल यही चल रहा है, राहुल के कई रूप दिखाने की कवायद शुरू हो गई है। तो ये राजनीति में जो डपोर शंखी लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं, और जो इन्हीं परिवार के सिफारिश पर अपनी तरक्की लेना चाहते हैं, तो हर तरह के बात बोलते रहते हैं। वो तो उनका अंदाज है, इस पर हम क्या करेंगे। अरे भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, आज उनकी तुलना आप राहुल गांधी से कर रहे हैं, जिनके रैली के सहयोग में अनंत सिंह और पप्पू खान जैसे लोग हैं, तो ये कौन सी सेना है। दरअसल कांग्रेस वही चाल चल रही है जो बीजेपी 80 के दशक से चलती आ रही है। राम के नाम पर सियासी फायदा लेने की होड़ बीजेपी शिखर पर है, और इसके पीछे राम नाम की सियासत का बहुत बड़ा हाथ है। तो कांग्रेस भी अब वही आजमा रही है। हालांकि ऑन कैमरा कांग्रेस इससे सहमत तो नहीं है, पर इससे इनकार भी नहीं करती। बीजेपी चूंकि पाखंडी पार्टी है, पाखंडियों की जमात है, उसने राम के नाम का बेजा इस्तेमाल किया है, उसे राजनीतिक इस्तेमाल किया है, उसे बेचने का काम किया है, तो उसे तो परेशानी होनी स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी को। गांधी जी को गोली लगी और जब गिरने लगे तो उन्होंने हे राम का नाम लिया, तो गांधी जी पर हिंदुत्व का आरोप तो नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको हमको लगता है कि तुलना ही देना चाहिए। राहुल गांधी को राम के रूप में पेश किया गया है, कांग्रेसी नेता काफी उत्साहित हैं और उनमें राम की छवि को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि 2019 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना से बीजेपी भड़की हुई है। जाहिर है गुस्सा आएगा, क्योंकि जिस राम की सियासत पर बीजेपी का ट्रेडमार्क लगा हुआ है उसे कांग्रेस सॉफ्टली अपने साथ ले रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस रणनीति की वजह से नुकसान बीजेपी का हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है।